सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो के अंदर। सो भाई लोग यार, आज आप लोग देख सकते हो हमारे फ्री फायर के अंदर गाइस बिल्कुल नया इवेंट आ चुका है, न्यू फेडेड विल इवेंट आ चुका है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है गाइस इवो M1014 का गाइस यहाँ पे स्किन आप लोग देख सकते हो, एट्रीब्यूट वगैरह आप लोग देख सकते हो, डबल यहाँ पे रेट ऑफ फायर आपको देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पे सिंगल प्लस आर्मर प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस गन का लुक वगैरह आप लोग देख सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया होने वाला है। मेरे को तो गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया लगा ये वाला स्किन, आप लोगों को कैसा लगा वो चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस यहाँ पे हमारा टोटल कितना डायमंड लगने वाला है, कितने डायमंड के अंदर ये वाला स्किन हमको मिल जाएगा, एंड उसके साथ ही साथ गाइस क्या यहाँ पे वन स्पिन ट्रिक होने वाली है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग बताने वाला हो, ठीक है। तो भाई लोग यार आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके साथ मेरे भाई लोग यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस बेल नोटिफिकेशन आएगा भाई लोग यार, उसको भी आप लोग गोल पे प्रेस कर देना। तो गाइस यहाँ पे गन का लुक वगैरह आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्त सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे स्पिन करेंगे एंड इसको निकालने का हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं भाई यहाँ पर हमारा टोटल कितना डायमंड यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दो आइटम को यहाँ पर हम लोग रिमूव कर देते हैं, जो भी आइटम आपको अच्छा नहीं लगे ना उसको आप लोग यहाँ पे हटा लेना है। तो यहाँ पे दो आइटम को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, आप लोग भी यहाँ पे दो आइटम को रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पे स्पिन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रिक लगाने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले जो भी आपके हाथ में गन वगैरह होती है ना, गन हो गया, पेन वगैरह हो गया, उसको आप लोग हटा लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर लेना, आपको कौन सा कैरेक्टर रखना है, यहाँ पर रखना गाइस आपको एडम कैरेक्टर। हाँ गाइस एडम कैरेक्टर आपको यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एडम को रख लिया, उसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। और गाइस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको 4 से 5 बार यहाँ पे क्लियर कैच आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो गाइस क्लियर कैच हम लोगों ने कर लिया, अभी आप लोग जाना है गाइस लक रॉयल में। और गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको 10 वाला स्पिन आपको यहाँ पे कर देना है, उसके बाद आपको तुरंत अपने इवेंट में चले जाना है। और गाइस सबसे पहला स्पिन यहाँ पर आपको 9 डायमंड का देखने को मिलता है। तो चले गाइस 9 डायमंड का हम लोग यहाँ पे स्पिन करेंगे, देखते भाई पहले स्पिन के अंदर हमको क्या चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर गाइस हमको मिलता है गाइस यहाँ पे एक के गन का यहाँ पे किरीट मिला है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे स्पिन करेंगे एंड इस बार गाइस यहाँ पे 19 डायमंड का यहाँ पे स्पिन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखते भाई यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, एंड इसमें मिला है गाइस हमको फिर से यहाँ पे एक के गन का यहाँ पे किरीट मिल चुका है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो फिर से हम लोग यहाँ पे स्पिन करेंगे जो कि 39 डायमंड का यहाँ पर होने वाला है। और भाई लोग यार इसमें देखते भाई यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, तो मिल जा भाई इसमें मिला गाइस हमको पेट फूड भाई, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते। तो चलिए गाइस फिर से हम लोग यहाँ पे स्पिन करेंगे जो कि 69 डायमंड का यहाँ पे होने वाला है, एंड इसमें देखते भाई यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। मिल जा भाई, नहीं मिला यार, इसमें भी देख सकते हो भाई नहीं मिला। तो अभी फिर से यहाँ पर स्पिन करेंगे जो कि 99 डायमंड का यहाँ पर होगा। तो चलिए गाइस इसमें देखते भाई क्या मिलता है, मिल जा भाई गन मिल जा, नहीं मिला यार। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगला स्पिन होने वाला है 149, फिर इससे अगला होगा गाइस यहाँ पे 199 का, ठीक है, एंड लास्ट स्पिन होगा गाइस 499 का। तो गाइस बात करें भाई यहाँ पे टोटल डायमंड की, तो गाइस यहाँ पे टोटल डायमंड लगेगा गाइस 1081 डायमंड, यस गाइस 1081 या फिर 84 ऐसा कुछ यहाँ पर आपका डायमंड लगेगा। इतने डायमंड के अंदर आप लोग आराम से ये वाले स्किन को आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट आप लोग बता सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई लोग यार जय हिंद जय भारत।